दोस्तों काफी टाइम से आपने ये मार्क किया होगा कि आजकल मैं और क्रिकेट 07, डीबीसी 14, क्रिकेट 19 उन सब के पैचेस वगैरह के ऊपर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। और इनफैक्ट जो वीडियोस पहले मैंने बना रखा था ना और उन पे अच्छा खासा व्यूज भी आ रखा था, तो उन सब को भी मैंने डिलीट कर रखा है। और क्या फ्यूचर में उन टाइप के वीडियोस दोबारा से आएंगे या फिर नहीं, तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वाले वीडियो पर देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे आप सबकी सपोर्ट की सख्त जरूरत है, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना थोड़ा सपोर्ट जरूर थोड़ा दिखाना यार। अब दोस्तों चलो बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो देखो यार, जिस टाइम पर मैं उन सारे वीडियोस को बना रहा था, मतलब कि बनाता था, तो उस टाइम यूट्यूब के अंदर ज्यादा कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हुआ नहीं करता था। तो वो चाहे वो प्याज वीडियोस हो, चाहे वो प्रेस कॉपी वीडियोस हो गया, चाहे वो कोई मॉड वगैरह हो गया, तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम जो है वो हुआ नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। तो एकदम सब कुछ सही चल रहा था। प्याज रिलीज के एक दिन पहले मुझे प्याज मिल जाता था, मैं टेस्ट कर दे रहा था और बस रिलीज के एक दिन के अंदर ही अंदर वीडियो भी आ जा रहा था। तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था, है ना। लेकिन फिर आता है सबसे बड़ा वाला दिक्कत, जब YouTube के रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा बदलने लगते हैं। और जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलने लगे तो मेरे सारे वीडियोस पर एक एक करके येलो डॉलर भी लगने लगे। और येलो डॉलर साइन बेसिकली वो होता है जब आपके वीडियोस पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाता है, उन पे ना तो कोई अर्निंग्स होती है और ना ही वो वीडियोस के रीच अच्छे होते हैं, है ना। तो मतलब कि ऐसा होता है, तो ज़्यादा उन टाइप के वीडियोस चैनल पर अगर रहे तो धीरे धीरे चैनल का भी हालत सेम हो जाता है। तो ये सब के चलते फिर मैंने उन सारे वीडियोस को मैनुअली रिव्यू के अंदर भेजने लगा और कुछ साइंस जो है वो तो रिमूव हो गया। अब मुझे लगा शायद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन उसी वक्त मुझे आ जाता है फिर से एक क्रिकेट 07 वीडियो के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस वाला स्ट्राइक। वार्निंग तो मुझे बहुत पहले ही आ चुका था, पर इस बार क्या है ना, स्ट्राइक आ गया है ना। और स्ट्राइक जब आता है तो फिर हो जाता है बहुत बड़ा वाला दिक्कत। अब ना चाहते हुए भी मुझे सारे क्रिकेट 07 रिलेटेड वीडियोस को हटाना पड़ा, क्योंकि अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस का दो स्ट्राइक आ जाता है तो 14 दिन के लिए वीडियोस अपलोड करना बंद हो जाता है और बहुत दिक्कत हो जाता है। तो उस वजह से मैंने क्या किया कि क्रिकेट 07 रिलेटेड सारे वीडियोस को मैंने हटा दिया। और फॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो जो स्ट्राइक है वो काफ़ी बार अपील करने के बाद रिमूव हो गया। मतलब कि यार लक देखो कितना ज़्यादा, मतलब कि बुरा हो गया, सारे वीडियोस भी रिमूव हो गया और स्ट्राइक जो है वो भी बाद में रिमूव हो गया। पर फिर भी काफ़ी रिस्क था तो इसलिए मैंने उन सारे वीडियोस को री अपलोड नहीं किया। पर फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, उन सारे वीडियोस को हम डाउनलोड करते हैं और हमारे थर्ड चैनल ओपन करते हैं जिसका नाम मैंने रखा था आरबी गेमिंग वर्ल्ड, तो उस पर अपलोड कर देते हैं। तो उस पर थोड़ा सा रिस्क लेने को मैंने सोचा, क्योंकि उस पर स्ट्राइक अगर आया तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर आता है एक और सबसे बड़ा वाला दिक्कत, और वो आता है कॉपीराइट स्ट्राइक। मतलब कि थर्ड चैनल भी सही चलने लग रहा था, मेन चैनल भी सही चल रहा था, लेकिन इस बार क्या होता है ना कि कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाता है, वो भी मैनुअली। और पता है किसने मारा था? वो मारा था बिग एंड स्टूडियोज़ की तरफ से। और उसको देख के भाई मेरा एकदम लिटरली ना फट गया था। तो जब मैंने थोड़ा बचा पता लगाया तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने, मतलब कि मेरे मेन चैनल के सारे वीडियोस उन्होंने देख लिया है और हमारा प्रेस कॉपी वाला आइडिया उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तो उन्होंने स्ट्राइक मारने को तो चाहा था, मतलब कि उन्होंने स्ट्राइक मारने को तो चाहा, लेकिन फिर उन्होंने ना कि स्ट्राइक जो है वो मार नहीं पाए। क्या है ना कि मेन चैनल से तो सारे वीडियोस मैंने हटा दे रखा था, तो एक नया चैनल पर डाल दिया था। और नया चैनल पर अगर वो स्ट्राइक देते हैं तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पर स्ट्राइक लग सकता है, तो वो बात उनको भी पता था। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा दिमाग लगाया और फिर उन्होंने हमारे टॉप 5 बेस्ट गेम्स हो गया, रिव्यू वाले गेम्स हो गया, तो उन टाइप के वीडियोस के ऊपर भी स्ट्राइक देने लगे वो लोग, क्योंकि उसके अंदर भी उनका आर्ट्स लोगोस वगैरह तो यूज़ हुआ ही था। मतलब कि क्या है ना कि उन्होंने एक टाइप का मुझसे बदला ही ले लिया, तो मतलब कि उन्हें बदला तो लेना ही था। और नया चैनल पर उनको स्ट्राइक दे के कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ऐसा भी उनको पता था, पर फिर भी एक स्ट्राइक वहाँ पर भी लगा दिया और दो स्ट्राइक यहाँ पर लगा दिया। तो ये सब देख के भाई मेरा मतलब कि एकदम फट हो रखा था, मतलब कि फट गया यार लिटरली, क्योंकि एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक उस वक्त एक्टिव था, उस वक्त एक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया था, तो 3 स्ट्राइक मतलब कि एक्टिव ही हो गया था। अगर एक और स्ट्राइक आ जाता कॉपीराइट वाला तो चैनल डिलीट ही हो जाता यार। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर आने लगा, मतलब कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था उस टाइम यार, मैं बता नहीं सकता। तो ये सब चक्कर के चलते मैंने क्या किया कि ट्विटर पर उनको थोड़ा कांटेक्ट वगैरह करने का कोशिश किया और फाइनली मुझे उनके सीईओ रॉस सिमन से कांटेक्ट करने का मौका मिल गया। और उनके सामने मैंने एक सारे गलतियाँ मेरे मान लिया और बेसिकली एक डील हुआ हमारे बीच कि अगर मैं सारे प्रेस कॉपी वीडियोस, लिंक्स, ब्लॉग पोस्ट सब कुछ रिमूव कर लूंगा तो वो लोग एक स्ट्राइक वापस ले लेंगे। तो वही हुआ बेसिकली, और अभी तक भी ऐसा हो ही आ रहा है। मैंने अभी तक उनके सारे चीजें रिमूव कर दिया है और मैं री अपलोड भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उन पे दोबारा से स्ट्राइक लग सकता है और ना ही आरबी गेमिंग वर्ल्ड पर भी वो अपलोड हो सकता है, क्योंकि वो भी हमारा चैनल है, उनको ये बात पता है।
तो अभी दोस्तों सवाल आता है कि आरबी गेमिंग वर्ल्ड पर अब आपको क्या चीज़ें देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली एक बहुत ही काफ़ी बड़ा वाला इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि चेंजेस भी बहुत ही बड़ा वाला होने वाला है, क्योंकि उस चैनल को हम रीब्रांडिंग करके फिर से चलाने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है आरबी स्मार्ट टॉक्स। अब नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा शायद आपको, और वहाँ पर हम काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लाइक मेरे YouTube अर्निंग्स के रिलेटेड हो गया, कहाँ से मुझे स्पॉन्सरशिप्स वगैरह मिलते हैं उनके ऊपर हो गया, कितना मैं चार्ज लेता हूँ उनके ऊपर हो गया, अगर कोई नया यूट्यूबर है तो उसको किस तरीके से स्पॉन्सरशिप्स मिल सकते हैं, कितना चार्ज उसको करना चाहिए, तो सारे RPM क्या होता है, CPM क्या होता है, तो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दैट चैनल, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज़ें वहाँ पर जानने को मिलेगा, और अगर बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब तो आपको जरूर करना ही है। बाकी सॉरी टू से, पर प्याज वीडियोस दोबारा से अपलोड नहीं हो सकता है, पर चलो देखते हैं क्या होता है। अगर फिलहाल के लिए आरबी स्मार्ट टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले कमाल के वीडियो पर, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।